हेलो दोस्तों, डीजे कुमार ब्लॉग चैनल में आपको फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे दो ऐसे एम्पलीफायर के बारे में जो कि दोनों आपको एम्पलीफायर दिख रहा है, ये आपका दोनों 500 वाट में दिखने को मिल जाएगा। और सबसे बेस्ट कौन सा होगा ये आपका दोनों एम्पलीफायर और कौन सा अच्छा रहेगा, दोनों के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर दो बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले बात करेंगे दोनों का, आपका जो मॉडल नंबर आपको पता चल गया है, एक स्टेंजर का PBT501 और दूसरा है ये आहूजा का SPA 5000 EM। तो दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंट क्या है, टोटल इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टेंजर PBT501 के बारे में। तो ये आपका 500 वाट RMS पावर को देखने में मिल जाता है। इसका मैक्सिमम पे आपका 650 वाट लगभग हो उतना दे देता है, मतलब तो हो ही जाता है। इसका मैनुअल में तो दिया नहीं है, लेकिन मेरा जितना ही है उतना बता देता हूँ। और चलिए इसका बात कर लेते हैं। सिंपल इसका जो कि स्पीकर आउटपुट आपको मिल जाता है 2 ओम 4 ओम, और इसका लाइन वोल्ट 17 वोल्ट 100 वोल्ट, मतलब दोनों के लिए आप काम करेगा। इसमें आपको 8 ओम में देखने को नहीं मिलेगा इस स्टेंजर PBT501 में। और इसका AC सप्लाई आपका 220 से 240 जो कि आपको नॉर्मल पता होगा। इसका वेट आपका 21 kg लगभग हो जाएगा। और चलिए सिंपल है दूसरा एम्पलीफायर के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए इसका मॉडल जो कि आपको पता चल गया SPA 5000 EM, तो ये आपका 500 वाट का RMS पर आपको मिल जाता है। और इसका मैक्सिमम पर आपका 750 वाट देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत बढ़िया बात है। और इसका फ्रीक्वेंसी इसमें आपका मिल जाता है 50 से 15 हज़ार हाईटेज तक मिल जाता है। और स्पीकर आउटपुट के लिए 4 ओम 8 ओम और लाइन बोर्ड के लिए 17 वोल्ट 100 वोल्ट दिया है। इसमें 2 ओम रिकमेंड नहीं है, इसलिए आप 2 ओम में रिकमेंड नहीं कर सकते। और स्टेंजर में 2 ओम में रनिंग कर सकते हैं, और इसमें 2 ओम में रन नहीं कर सकते, और उसमें 8 ओम में रन नहीं कर सकते, जो कि स्टेंजर PBT उसमें नहीं कर सकते। चलिए इसका बात कर लेते हैं AC सप्लाई के बारे में। तो इसका 220 से 240 वोल्ट का आपको मतलब चलाना होगा। और DC के लिए आपका 3 कार का बैटरी चाहिए, जो कि आपका 36 वोल्ट में काम करेगा। मतलब एक एक कार का बैटरी 12 वोल्ट का होता है, तो 3 का आपको 36 वोल्ट होता है। तो बस इतना ही आपका जो कि डिफरेंट हो गया। तो आप किस तरह मतलब चूज कर सकते हैं कौन सा बेस्ट होने वाला है, तो मैं कहूँगा तो इसमें आप SPP आहूजा में भी जा सकते हैं, स्टेंजर में भी जा सकते हो। तो मैं इसे किस लिए रिकमेंड करूँगा तो बता देता हूँ। आप चाहेंगे इसमें आप थोड़ा सा टाइप प्रोग्राम या DJ के लिए चाहिए, तो आपको मतलब स्टेंजर PBT में जा सकते हैं, आहूजा में जा सकते, कोई बात नहीं। आहूजा में थोड़ा सा आपका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा मिलेगा, और स्टेंजर PBT में थोड़ा सा आपका मीट ज़्यादा दिखने को मिलेगा। और इसमें आपको थोड़ा सा मीट दोनों मीट दिखने को मिल जाए उतना ही मिलेगा, लेकिन इसका SPP जो आहूजा में आपका फ्रीक्वेंसी मतलब ज़्यादा मिलता है, क्योंकि आपका फुल रेंज में मिलता है ये आहूजा, जो कि आपको लाइव साउंड के लिए आपको इसमें भी मस्त बजेगा। कोई बात नहीं, आप इसमें भी जा सकते हैं, लेकिन इसमें आहूजा में जाएंगे तो आपका सबसे बेस्ट बेटर है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा वाट आपने इसमें ज़्यादा भी डाल दीजिएगा तो कोई बात नहीं, मैक्सिमम आपको थोड़ा सा ज़्यादा चले उसमें भी चल जाएगा। लेकिन स्टेंजर मतलब PBT में थोड़ा सा मतलब ज़्यादा हो जाए इसके लिए प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन आहूजा के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता, लेकिन इसका मैक्सिमम पर उतना दिया रहता है, और ये स्टेंजर उतना मैक्सिमम दिया नहीं रहता है। इसीलिए आप मैं रिकमेंड करूँ तो आहूजा में जाइए, आपके लिए सबसे बेस्ट होगा, और इस एम्पलीफायर के लिए मतलब अच्छा बजेगा। और इसका इस SPP का आहूजा में प्राइज़ का लगभग 23 हज़ार लगभग हो जाएगा, और ये PBT में आपका कम से कम 12-13 हज़ार लगभग एक्सप्रेस हो जाएगा, उतना प्राइज़ मतलब हो ही जाता है। तो वीडियो में कैसा लगा मुझे कौन जरूरत है, बस आज की वीडियो यहीं तक। वीडियो पसंद लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।